रिंकू सिंह क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी हस्ती बन चुके हैं और लोग इनके बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के मैच में जब इनके टीम को अंतिम 5 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी, तब इन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया और अपनी टीम को एक बेहद रोमांचक मैच में जीत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले ये झाड़ू पोछे का काम भी किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम रिंकू सिंह के संघर्ष भरे जीवन से लेकर आज अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये भी बताएंगे। तो बात करते हैं शुरू से। रिंकू सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। 5 भाई बहनों में रिंकू सिंह तीसरे नंबर की संतान है। रिंकू सिंह एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। रिंकू सिंह के पिता घरों में सिलेंडर की डिलीवरी किया करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी है। गरीबी और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण रिंकू सिंह अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए हैं। रिंकू सिंह केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं और इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा शौक था। घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रिंकू ने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण रिंकू को कोई भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन उन्हें एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू और पोछा लगाने का काम मिला। लेकिन ये काम करके ये अपनी हालात नहीं बदल पाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा और वापस क्रिकेट खेलना जारी रखा। लगातार संघर्ष करते हुए रिंकू सिंह ने 16 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के लिए ए कैटेगरी में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और अपने सभी मैचों में अच्छे प्रदर्शन करने का फायदा मिला। उन्हें आईपीएल 2017 में किंग्स 11 पंजाब की टीम में शामिल होने का मौका भी मिला और इन्हें 10 लाख रुपए में साइन किया गया। लेकिन इस सीजन रिंकू केवल बेंच पर दर्शक बनकर ही रहे और इन्हें पंजाब की ओर से एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अगले साल रिंकू को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया और आज तक वे इसी टीम से खेलते आए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए इस सीजन रिंकू ने दूसरे ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 33 गेंदों में 46 रन बनाए। लेकिन उनका तीसरा मैच सभी के लिए यादगार रह गया, जिसमें उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने यश दयाल की गेंद पर पारी की अंतिम 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर न सिर्फ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया बल्कि अपनी टीम को भी जिताया। अपनी इसी पारी में रिंकू ने मात्र 21 गेंदों में 228 के स्ट्राइक रेट में 48 रन बना डाले। अब इनकी टोटल नेटवर्थ $5 मिलियन यानी कि लगभग 41 करोड़ रुपए है और इन्होंने अपने कार कलेक्शन की कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन इन्हें टोयोटा हुंडई जैसे कारों को चलाते हुए देखा गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा।